नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आज हम आप बात करने वाले हैं जो पुराने मॉडल की स्टैंडर्ड हुआ करती थी और उसके अंदर पिकअप का प्रॉब्लम था और लीकेज का प्रॉब्लम था। तो आज मेरे पास एक गाड़ी आ रखी है जिसमें सेम इशू है, तो मैंने क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर कवर किया जाए। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, ये साउंड सुनिए। तो आपने एक साउंड सुना, ये साउंड कहाँ का है? उसके लिए मैंने इसका हेड खोल रखा है और मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। इस काम के लिए जो मेरे ऐसे मैकेनिक रहते हैं ज़्यादातर, वो इसका काफ़ी अच्छा चार्ज करते हैं, और क्योंकि इवन आपको पता भी नहीं कि इसके लिए हमें करना क्या है और क्या खर्चा आएगा, क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास स्टैंडर्ड है, इसका जो पैकिंग है देखिए, देखने में बहुत बिल्कुल क्लीन है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये पैकिंग ख़राब हो सकता है। पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ऑयल बाहर की साइड, आगे की साइड आ रहा है, और जो साउंड आ रही थी जिस टाइम आपने साउंड सुनी होगी, तो वो साउंड भी इधर साइड से आ रही थी। तो मैं पैकिंग को बाहर निकाल के दिखाता हूँ पेचकस की मदद से। चलो ऐसे निकल गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पैकिंग यहाँ से फट रखा है, और ये विक्टर कंपनी होती है, विक्टर का पैकिंग होता है, और ये अक्सर ये फट जाता है यहाँ से। अब देखिए, इसमें ना मैकेनिक की दिक्कत है ना आपकी दिक्कत है, ये पैकिंग यहाँ से फट गया है, और जो इसके अंदर पेपर लगा रहता है वो पेपर पूरा जल गया है, और यहीं से एयर लीक हो गई, क्योंकि पहले यहाँ से फटा है, वो एयर यहाँ इस बोल्ट के अंदर आई और एयर निकल के बाहर चली गई। अब मैं दिखाता हूँ जो आपको अच्छा पैकिंग या सही पैकिंग डालना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की पैकिंग में है, ये मेरे पास रहा रॉयल इनफील्ड की पैकिंग का, इसका MRP 108 रुपये है, मात्र 108 रुपये। सेविंग ब्लेड से एक बार खोल के देख लेते हैं आप, क्योंकि इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। अब मैं आपको पुराना पैकिंग और नए पैकिंग में दोनों में दिखाऊंगा क्या डिफरेंट है, ठीक है? आप देख लीजिए ओरिजिनल पैकिंग 108 रुपये MRP, अगर आपका पुराने मॉडल की पैकिंग है, बुलेट है, तो उसमें कौन सा डालना चाहिए। इन दोनों में आप डिफरेंट देखिए, ठीक है? ये ऊपर से एक पीतल की पैकिंग है, उसके अंदर पेपर रहता है, और ये पूरा एक पैकिंग है, इसके बीच में एल्युमिनियम की प्लेट या परत कह दो, वो लगी रहती है, और देखिए काफ़ी अच्छा स्लैक लगा रहता है और वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया है, पैकिंग अगर डालना है, ये पैकिंग आपका 50-60 रुपये का होगा इवन, और यह आपका 108 रुपये का है, पर इसके चक्कर में लोग इसके 700-800 रुपये ले लेंगे सिर्फ ये पैकिंग बदलने के, ठीक है? पहली साउंड और पिकअप की प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरा, अगर पिस्टन हमारा ज़्यादा ढीला हो, पर इसके अंदर लगता नहीं है, वो काफ़ी हिलता है ऐसे हिलाने में, ये नहीं हिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीकेज की प्रॉब्लम, यहाँ से ये पैकिंग डालते ही बंद हो जाएगी। एक बार मैं इसको फिट करता हूँ, इसके बाद इसकी दोबारा साउंड सुनते हैं, क्या फ़र्क आया है, क्या इम्प्रूवमेंट है, और क्या पिकअप में प्रॉब्लम है या नहीं है, बात करेंगे इस पैकिंग को डाल। तो मैं इसको एक बार फिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सबसे पहले साउंड सुनाता हूँ, और कुछ और पॉइंट होते हैं टैबिट के बारे में या रॉकर के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं इसको फिट करने के बाद। अच्छा, तो फाइनली एक लास्ट टिप और देना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपके पास पुराने मॉडल की ओल्ड गाड़ी है जिसको बोलते हैं, उसके अगर आपको टैबिट सेट करने होते हैं तो पिस्टन को टॉप करना होता है, ठीक है? वो आप आराम से प्लग के पास से कर सकते हैं, या आप अगर अपने कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? आपने जब उसको टॉप कर देना है तो टैबिट कितने रखने हैं, टैबिट इतने टाइट रखें कि ये फ्री रहें, और इसके अंदर ऊपर नीचे में चाल नहीं होनी चाहिए। इवन क्या, इसको अगर हम ऐसे हिलाते हैं, इसको हम अगर ऊपर को नीचे को हिलाते हैं तो कहीं पर भी चाल नहीं होनी चाहिए, और वो आप फील करेंगे, वो दिखता कम है, उसको फील करना पड़ता है। यहाँ पर अच्छे से ऊपर रोकर हिला सकते हैं ऐसे, ये साइड चाल नहीं होनी चाहिए, और ये कंप्लीट रहेगा तो आपकी गाड़ी वन टच स्टार्ट रहेगी। एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, और स्टार्ट करने के लिए सिंपल आपको पता है डीजल में से पहले कंप्रेशर काटना पड़ता है, उसके बाद नॉर्मल किक मार दीजिए और आपकी गाड़ी स्टार्ट है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑयल की सप्लाई ज़रूर चेक करें, ऑयल की सप्लाई चलना बहुत ज़रूरी है।
तो देख सकते हैं बिल्कुल साउंड जीरो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज आज ज़रूर मिली है। नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, किसी के काम आ सके तो इसको शेयर कर दें। चैनल में नए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, आजकल एक नया तमाशा चल रहा है, लोग अपना चैनल बना के मतलब कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं या सेल परचेस का आइटम एक दुकान बना के बैठी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने दुकान बना दी है, तो दुकानदारों से सावधान। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।